टीवी का स्वागत है मेरे चैनल में। मेरे पास आज एक डिश टीवी का सेट टॉप बॉक्स, जिसका मॉडल नंबर है DCH2090S। ठीक है, इसका फॉल्ट मैं दिखाता हूँ। देखिए, सिग्नल नॉट फाउंड, 301 सिग्नल नॉट फाउंड है। ठीक है, तो आज मैं इसका रिपेयर करूँगा। तो पहले मैं इस बॉक्स को, जो चार स्क्रू हैं, 1 2 3 4 चार स्क्रू मैंने खोल के निकाल लिया। देखिए, एक यहाँ पर है। ठीक है, तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ। और बॉक्स में थोड़ा धूल मिट्टी है, उसको मैं साफ करके वापस आता हूँ। देखिए, मैंने साफ करके वापस आया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज मापूंगा और रिपेयर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें। तो सबसे पहले, अगर कोई सेट टॉप बॉक्स में नो सिग्नल आ रहा है, तो पहले हमको, आप लोगों को एंटेना का जो वायर है, यानी कि जहाँ पर एंटेना का वायर निकलता है, वहाँ पर वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए मैं DC 200 में सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो 18 वोल्ट 13 वोल्ट होता है। ठीक है, तो पहले वोल्टेज मापने के लिए इस बॉक्स को ओपन करने पड़ेंगे। देखिए, ओपन हो गया। तो पहले जो मैं बताया, जो LNB का वायर है, यानी कि एंटेना का वायर, यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव बॉडी का। तो नेगेटिव में फिक्स कर दिया। अब मैं इसको वोल्ट मापता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई वोल्ट नहीं है। देखिए, मेरा मीटर 0 0 आ रहा है। ठीक है, अगर इसी रेगुलेटर IC को चेक करता हूँ, देखिए पहला वाला 0, दूसरा वाला 3.3 वोल्ट और तीसरा वाला 5.1 वोल्ट। थले, क्योंकि ये है 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर, जो वोल्टेज बिल्कुल सही दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको, देखिए यहाँ पर वोल्ट 0 वोल्ट, सॉरी, यहाँ पर वोल्ट 0 है। ठीक है, तो अब मैं इसको मापूंगा। तो पहले इस डायोड को देखिए, ये बड़ा वाला जो डायोड है, डायोड को एनोड में देखिए, वोल्ट नहीं है, कैथोड में वोल्ट है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा मेरा दोस्त। यहाँ पर जो एंटेना का कॉयल 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 किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पार्ट्स थी, वो बास्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो रहा वो था SR54। ठीक है, लगता है कोई कॉयल यानी कोई फ्यूज था, तो जो बर्न हो गया। क्योंकि देखिए, मैं नेगेटिव फिक्स कर लिया, तो यहाँ पर देखिए जो कॉयल बना है झिकझक वाला, ये वाला झिकझक वाला, तो यहाँ पर वोल्ट हैं, देखिए 13.8 वोल्ट हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ पर एक कॉयल यानी कोई फ्यूज लगा के दिखूंगा मेरा फॉल्ट
रेडी होता है कि नहीं। ठीक है, तो कॉइल बनाने के लिए मैं इस वाला कॉपर वायर लेता हूँ जो मैंने ट्रांसफार्मर के कोर से खुला है, और वहाँ से थोड़ी वायर काट कर मैंने स्क्रू ड्राइवर में 20 टर्न्स दिया हूँ। ठीक है, 20 टर्न्स करके मैं कॉइल बना दिया। अब मैं इसको यहाँ पर सोल्डर करूँगा। ठीक है, चैनल पर अगर आप लोगों को इसी तरह का वीडियो इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल में बने रहे, पूरा वीडियो देखे। इंस्ट्रक्शन के कारण ये सोल्डर नहीं लग रहा है। अब मैं इस कॉइल को यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक लगाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने अब देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ से यहाँ तक मैं इस कॉइल को जम्पर करूँगा। ठीक है, तो मेरा वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अब हो गया देखिए मेरा दोस्त, अब हो गया मेरा कॉइल लगाना यहाँ से यहाँ तक। अब मैं इसको वोल्टेज देके देखता हूँ मेरा बॉल रेडी हुआ कि नहीं। ठीक है, और एंटेना वायर भी लगा दिया। देखिए मेरे दोस्तों, डिश टीवी ऑन हो गया। अब वोल्टेज को माप लेता हूँ। दो मैंने नेगेटिव फिक्स कर लिया, और देखिए LNB वायर में देखिए 18 वोल्ट आ गया। ठीक है, देखिए दोस्तों आ गया, और मेरा टीवी देखिए चालू हो गया। ठीक है, अब मैं चैनल चेंज करके दिखाता हूँ। DD बांग्ला फ्री जो चैनल है वो आ गया। ठीक है, कोलकाता टीवी, तो सभी लोगों को नमस्कार मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए।